सीओ कैंट योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें दो मामले सामने आए हैं जो कि भूमि विवाद से संबंधित हैं। उन्होंने कहा जो मामला सामने आ रहा है उसको पुलिस व राजस्व की टीम मौके पर भेजकर निस्तारण करवाया जा रहा है। प्रयास रहता है कि सभी मामलों का निस्तारण करवाया जा सके। थाना समाधान दिवस का काफी कारगर हो रहा है, जिसमें लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार विकास कुमार, कोतवाली थाने पर थाना अध्यक्ष अंजुम कुमार, कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा कि समाधान दिवस है आज। यहाँ पर अब तक दो प्रकरण सामने आए हैं। अमूमन यहाँ पर कैंट थाने में 4 से 5 प्रकरण ही आते हैं। जो भी प्रकरण है वो सभी जमीन संबंधी हैं। इनके लिए प्रोसेस ये किया जाता है कि जो प्रकरण मौके पर सुलझने वाला होता है उसे तुरंत ही वादी प्रतिवादी को बुलाकर राजस्व टीम और पुलिस टीम रहती है उसे सुलझा दिया जाता है। जो प्रकरण ऐसे होते हैं जो मौके पर जाके सुलझाए जा सकते हैं उन्हें जो स्थल होता है जहाँ विवाद होता है वहाँ पर जाके राजस्व टीम और पुलिस टीम संयुक्त जाती है और उसका फिर निस्तारण कराया जाता है। ये काफ़ी कारगर है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग राजस्व के और पुलिस के लोग सभी इकट्ठा रहते हैं और वादी प्रतिवादी दोनों को बुलाया जाता है, जिससे कि पूरी समस्या क्या है वो पता चल जाती है। विवाद किस चीज़ का है, जमीन संबंधी है तो किस तरीके का है, और अगर मौके पे जाना होता है तो पूरी टीम मौके पे जाती है, उसका निस्तारण कराया जाता है।